हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो 2017 मॉडल, जो कि दिसंबर का मॉडल है और दबंगों की गाड़ी से कहा जाता है। एक बार मैं आपको इसको दिखा दूं चारों तरफ से, ये देखिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। जो कि ये गाड़ी दबंग लोग इसको लेते हैं और दबंगों की गाड़ी ही है। वाकई बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत लंबे टाइम से ये चली आ रही है और अभी देखने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये S6 प्लस है और जो इसमें एलॉय डलाए हुए हैं, बाहर से डलवाए हुए हैं, इसमें व्हील कैप आते हैं। एक बार मैं इसको भीतर से दिखा देता हूँ। क्लियरेंस एंट्री वगैरह कोई इसमें आती नहीं है। भीतर से बात करते हैं। ये इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आता है और जो इसकी चाबी आती है वो इस तरह की, ये लॉक अनलॉक, साउंड वगैरह कोई करती नहीं है। और ये इसका ऑडोमीटर और ये इसका म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह का मिलता है मैनुअली। ये एसी के इवेंट्स, यहाँ मैनुअली एसी मिलता है, 5 गियर बॉक्स के साथ ही आती है। और ये इसका हैंड ब्रेक, यहाँ का फोल्डर साइड में, यहाँ पे इसकी, यहाँ एसी के इवेंट्स मिलते हैं। और स्पेस तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है। ये मिरर है तो देसी, ज़्यादा कुछ फीचर्स में मिलते नहीं है। यहाँ पेट्रोल डीजल को खोलने के लिए स्विच मिलता है यहाँ से, यहाँ वाइपर के, यहाँ लाइट को सेट करने के लिए। चारों पावर विंडो है इसमें। S6 मॉडल है, एक बार पीछे से दिखा दो आपको। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे इसके एसी मिलता है मैनुअली एसी। देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है क्योंकि अब नया मॉडल भी आ गया है, फिर भी इसको महिंद्रा ने इसको कंटिन्यू किया है। ये देखिए पीछे कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है। और जो इसकी रियर लाइट है ये भी यहाँ पे चेंज कराई हुई है, ये टॉप मॉडल वाली लगी हुई है, अगली भी फ्रंट वाली और रियर। तो फ्रंट से बात करते हैं, इसके यहाँ पे इसकी लाइट्स चेंज कराई हुई है। जो हेडलाइट हैं ये टॉप मॉडल वाली या सिलेवन वाली डली हुई है। इसमें नीचे फॉग लैंप भी, इसमें कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आता है और इसकी नॉर्मल लाइट आती हैं जो हेलोजन बल्ब वाली। ये सामने से ग्रिल, ये भी चेंज है टॉप मॉडल की। साइड से टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें टायर साइज जो आता है 17 इंच का टायर आता है, 155/65/R17 का टायर। और जो एलॉय है महिंद्रा के ओरिजिनल एलॉय हैं जो इस बाहर से डलवाए हैं इसमें। यहाँ पे इसकी हवैक की बेजिंग मिलती है। जो ये स्कॉर्पियो दो इंजन्स में आती है, एक हवैक और एक सादा मैनुअल इंजन आता है जो पहले इस बलेरो में आता था। यहाँ ORBM बॉडी कलर मिलते हैं और साइड से देखने में कुछ ऐसी लगती है। ये फ्यूल टैंक जो कि 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है डीजल। पीछे से बात करें, यहाँ वाइपर मिलते हैं, यहाँ ये पीछे वाइपर, यहाँ महिंद्रा की बेजिंग, स्पॉयलर, यहाँ इसमें यहाँ रूफ रेल मिलती है और ये कुछ इस तरह का इसका एंटीना मिलता है ऊपर। और इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1997 cc 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो कि 140 bhp और 280 मीटर न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एवरेज जो इसका है कंपनी क्लेम हाईवे पर 16 का और सिटी में 12 का ये आराम से निकाल के दे देती है, इतना एवरेज इसका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। अपने टाइम में जब ये आई थी, इससे पहला वाला मॉडल आया था वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया था और इसे भी। अब जो है स्कॉर्पियो NI है क्लासिक, और क्लासिक के नाम से अब ये आ रही है और जो नई वाली स्कॉर्पियो आई है N के नाम से वो आती है। तो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है ये। और वो आजकल जो पंजाबी सॉन्ग है, फीचर देख के कार नहीं चक्की, इंजन तकड़े चक्की यारा नहीं, तो वो वाला इसमें सिस्टम है। इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को मिलते नहीं हैं। और जो इंजन, इसका इंजन है बहुत ज़बरदस्त पावरफुल इंजन है, देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। आज भी वो लोग लेते हैं इसको जो दबंग टाइप के लोग होते हैं। तो एक बार मैंने इसको इसलिए दिखाया आपको वीडियो में, 2017 मॉडल है। आज भी इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुए, जो नया वाला मॉडल आया इसमें यहाँ पे लोगो चेंज हुआ है और वो क्लासिक के नाम से अब आ रही है। ये S6 प्लस मॉडल था और इसका एक बार ऑनरशिप रिव्यू लेंगे जल्दी, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए एक बार चला के देखते हैं इसको।